नाउ कम्स सेल पैडिंग. तो सेल पैडिंग को भी ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज सेल पैडिंग. गेस करिए क्या आउटपुट में चेंज आएगा, गेस करिए आउटपुट में क्या चेंज आएगा. बढ़ जाएगी आपके टेबल के कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेसिंग. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अपन ने 20 दिया है ना, नोट करिएगा इस चीज को. 20 का ही गैप आ रहा है क्या आउटपुट पे, जरा ध्यान से देखिए. 20 का ही गैप आ रहा है क्या? नहीं, 20 मिनिमम है, 20 इज द मिनिमम गैप. मेरी बात को समझने के लिए आप दो ऐसे सेल्स लीजिए जिनके कंटेंट की लेंथ डिफरेंट है, राइट? चेक करिए, जैसे HTML in 24 hours, इसके बीच का गैप देखिए आप, और प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट कंप्लीट रेफरेंस के बीच का गैप देखिए. ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, दिस इज 20, ये मिनिमम 20 है. इसका मतलब ये सब 20 से ज्यादा होंगे, मानते हैं? तो वो जो सेल पैडिंग आपने दी है वो मिनिमम 20 है, 20 से ज्यादा मिलेगा, 20 से कम कोई गैप आपको नहीं दिखेगा. क्लियर? दोनों तरफ, दोनों तरफ, राइट भी लेफ्ट भी. सुल्तान, लेफ्ट में भी 20 का ही गैप आ रहा है, टॉप पे भी 20 का ही आ रहा है, बॉटम पे भी 20 का ही आ रहा है. मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. क्लियर? आगे बढ़े. चलिए अब आते हैं टेबल टैग के नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे. नेक्स्ट इज अलाइन. अलाइन आप पढ़ ही चुके हैं, क्या करेगा अलाइन एट्रीब्यूट? अलाइन एट्रीब्यूट क्या करेगा? वही करेगा जो वो हेडिंग के साथ करता था, पैरा के साथ करता था. पूरी टेबल को उस रो पे अलाइन कर देगा जिस रो पे टेबल आ रही है. तो बाय डिफॉल्ट टेबल का अलाइनमेंट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट टेबल का अलाइनमेंट क्या होता है? वेरी गुड. बाय डिफॉल्ट टेबल अपीयर्स लेफ्ट अलाइन. और टेबल का डेटा, टेबल का डेटा वो भी लेफ्ट अलाइन. और टेबल के हेडिंग्स, टेबल की हेडिंग्स वो सेंटर अलाइन. ओके, अब आपको अगर टेबल का अलाइनमेंट चेंज करना हो तो वी हैव द एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज अलाइन, जिसका इफेक्ट आप यहां देख सकते हैं. सो इफ यू कैन ऑब्जर्व इन दिस एग्जाम्पल, वी हैव सेट अलाइनमेंट टू सेंटर. तो अब कहां दिखेगा टेबल का आउटपुट, बताइए जल्दी. अब टेबल का आउटपुट अपन को कहां दिखने वाला है? वेरी गुड, रो के सेंटर पे कि पेज के सेंटर पे? रो के सेंटर पे. अच्छा, इस टेबल को अगर मैं सेंटर टैग में डाल दूं तो, इस टेबल को अगर सेंटर टैग के अंदर डाल दूं तो भी सेम आउटपुट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेंटर टैग भी वही करेगा जो टेबल का अलाइन एट्रीब्यूट करता है. बस फर्क कितना होगा, अगर सेंटर टैग यूज करेंगे तो टेबल के बाद भी अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो भी सेंटर अलाइन हो जाएगा. यहां टेबल के बाद अगर कुछ लिखेंगे तो वो अभी भी लेफ्ट अलाइन आएगा. गेटिंग दिस पॉइंट? सो इफ यू रन दिस कोड, ये रहा आउटपुट. आप देख सकते हैं आपको टेबल दिख रही है, बट द कंटेंट्स आर अलाइन टू द सेंटर ऑफ द रो, जबकि आपका इनिशियल आउटपुट लेफ्ट अलाइन था. एंड दिस आउटपुट इज सेंटर अलाइन. क्लियर? समझ में आ रहा है? यस 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 हर्ष, वी कैन डू ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ CSS. ओके, शैल वी प्रोसीड? राइट, चलिए नेक्स्ट. देन वी हैव नेक्स्ट एट्रीब्यूट, विड्थ एंड हाइट. अभी बताइए बाय डिफॉल्ट पेज के सेंटर पे कैसे लाएंगे? वेरी गुड, इस सवाल का जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूं. बाकी स्टूडेंट्स बताइए, बाकी बैचमेट्स बताइए, पेज के सेंटर पे कंटेंट कैसे लाएंगे? वो लाएंगे विद द हेल्प ऑफ CSS, और उसके लिए मार्जिन नाम का एक एट्रीब्यूट है जो आप यूज करेंगे. याद रहेगा अक्षत, CSS में मार्जिन हैंडल करना पड़ता है, तो कंटेंट को आप रख सकते हैं पेज के सेंटर पे.
ओके चलिए, तो मैं कह रहा था जो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले ये बताइए डिफॉल्ट विड्थ और हाइट टेबल की कितनी होती है, क्या लगता है आपको? डिफॉल्ट विड्थ और हाइट उतनी होगी जितना कंटेंट दिखाने के लिए जरूरी है. एग्जैक्टली, टेबल डायनेमिकली अपनी विड्थ और हाइट सेट करती है, जितना बड़ा कंटेंट उतनी विड्थ और हाइट टेबल की बढ़ जाएगी. बट इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट, अगर आप टेबल को विड्थ हाइट देना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, और एचटीएमएल में आप ये कर सकते हैं यूजिंग द एट्रीब्यूट्स विड्थ एंड हाइट. ठीक है, तो फिलहाल जो भी आपने आउटपुट्स देखे थे वो डिफॉल्ट विड्थ और हाइट के थे, समझ रहे हैं? जो अभी तक आप आउटपुट देख रहे थे वो सब डिफॉल्ट विड्थ और हाइट पे जा रहे थे. ओके, अब हम विड्थ और हाइट चेंज करके देखते हैं तो आपको डिफरेंस नजर आएगा. गेस करिए इसका आउटपुट क्या आएगा, और ये भी नोटिस करिएगा मैंने यहां परसेंट दिया है. परसेंट नहीं दूंगा तो क्या होगा, परसेंट नहीं दूंगा तो क्या होगा? वेरी गुड, एचटीएमएल से मान लेगी 100 पिक्सल और टेबल इतनी सी आपको दिखेगी, राइट? चलिए, फिलहाल विड्थ इक्वल टू 100% का क्या मतलब है, फिलहाल विड्थ इक्वल टू 100% का क्या मतलब है? टेबल विड स्ट्रेच इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एंटायर विड्थ ऑफ द पेज. जो आपके पेज की पूरी विड्थ होगी, टेबल अपने आप को पूरा उतना स्ट्रेच कर लेगी. सो इफ यू रन दिस कोड, आउटपुट विल बी समवॉट लाइक दिस. अब आप इसको कंपेयर कीजिए अपने फर्स्ट आउटपुट से. यहां टेबल उतनी ही विड्थ पे आ रही है जितने कंटेंट्स हैं. यहां टेबल की विड्थ इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट पूरे पेज पे स्पैन कर रही है. पूरे पेज पे स्पैन कर रही है कि कुछ छूट रहा है? पूरे पेज पे स्पैन कर रही है कि कुछ छूट रहा है? नहीं शशांक, अगर ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं है. बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए तो आपको यहां गैप नहीं दिख रहा. देखिए ध्यान से, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये ब्लैक वाला एरो, आर यू एबल टू सी दिस गैप? यस, दिस इज द मार्जिन जो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट अपने ब्राउजर के एज और पहले कंटेंट के बीच में रखता है. दिस इज द मार्जिन जो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट अपनी एज और कंटेंट के बीच में रखता है, राइट? लेकिन बहुत सारी वेबसाइट पे गैप नहीं दिखता ना, बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये गैप नहीं दिखता ना. अगर आपने ऑब्जर्व कराओ, जैसे फेसबुक पे चलिए, फेसबुक पे देखिए गैप नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना फेसबुक पे गैप? चेक करिए, फेसबुक ने पूरा बार जो है वो एजेस को भी कवर करते हुए सेट करा है. अगेन, हु इज गोइंग टू डू दिस? एग्जैक्टली, सीएसएस. कोड का स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ूं? डन. चलिए नेक्स्ट आता है बीजी कलर. एज अ नेम इंडिकेट्स क्या करेगा ये? क्या करेगा ये? सिर्फ टेबल के बैकग्राउंड पे आपको कलर दिखेगा. तो बाय डिफॉल्ट टेबल किसका कलर लेती है? बाय डिफॉल्ट टेबल किसका कलर लेती है? बॉडी का, बॉडी का, बॉडी का. और बॉडी पे ना दिया हो आपने तो डिफॉल्ट कलर आता है व्हाइट. बॉडी पे ना दिया हो आपने तो डिफॉल्ट कलर आता है व्हाइट. तो इसका मतलब एचटीएमएल में इनहेरिटेंस होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है. ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीएसएस इस इनहेरिटेंस पे भी आपको काम करने देगी. तो एचटीएमएल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चाइल्ड टैग्स पेरेंट टैग्स से इनहेरिट करते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर. हर चाइल्ड टैग अपना बैकग्राउंड कलर अपने पेरेंट से लेता है, और अगर आप उसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं तो पेरेंट के बैकग्राउंड कलर को ओवरराइड कर देता है. सुना है आपने वर्ड? आर यू अवेयर ऑफ दिस टर्म इन प्रोग्रामिंग, ओवरराइड करना? कराए पाइथन में आपने ओवरराइडिंग? किस मेथड की करी है? किस मेथड की करी है आपने पाइथन में ओवरराइडिंग? सबसे इंपॉर्टेंट क्लास लेवल का मेथड, डंडर इनिट, देन डंडर एसटीआर,
इन सब की आप लोगों ने अगर इनहेरिटेंस पढ़ी होगी तो पाइथन में जरूर करी होगी ओवरराइडिंग। तो जस्ट लाइक इन पाइथन वी कैन ओवरराइड मेथड्स, इन एचटीएमएल वी कैन ओवरराइड प्रॉपर्टीज। तो राइट नाउ द टेबल इज इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स पेरेंट, दैट इज द कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। बट इस वक्त टेबल का बैकग्राउंड कलर पेल येलो अपना डिफरेंट आएगा। अब चौंकिएगा मत, ये एचटीएमएल का पेल येलो है, बहुत से लोगों को लगता है तो ग्रीनिश का इफेक्ट है, पर एचटीएमएल में इसको पेल येलो बोलते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बाकी मैं अपलोड कर दूंगा सारे एग्जांपल्स, बट स्टिल आप ले लीजिए। कई बार गूगल क्लासरूम बहुत ज्यादा हैवी चलता है तो अपलोडिंग में टाइम लग जाता है। और आप लोगों को ग्रुप में कंटेंट्स मिल रहे हैं पूरे ना? ग्रुप में पूरे कंटेंट्स मिल रहे हैं? टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग हैं ना? उसमें है ना, मैं दोनों जगह पोस्ट करूंगा। कई बार गूगल क्लासरूम पे अपलोड होने में टाइम लग जाता है, गूगल क्लासरूम आजकल कई बार हैंग होने लगा है। असाइनमेंट सबमिट गूगल क्लासरूम पे ही करने हैं संयम। डेटा को सेंटर पे कैसे लाएंगे? मतलब टीडी के डेटा की बात कर रहे हो अक्षत? मतलब इस आउटपुट की बात कर रहे हो ना आप? लेट मी शो यू, जो एससीए की साइट पे दिखा था। ऐसा जैसे 26 में सेंटर पे है। वेरी गुड, अभी पढ़ते हैं। इसके लिए टीडी का अपना एट्रीब्यूट होता है, टीडी के पास भी अलाइन एट्रीब्यूट होता है। जैसे टेबल के पास है ऐसे टीआर और टीडी के पास भी अलाइन एट्रीब्यूट्स हैं। गूगल क्लासरूम में लेक्चर ओपन नहीं होते हैं, आप ये पोस्ट करिएगा ग्रुप में, जो टीम है वो जरूर देखेगी इस प्रॉब्लम को। क्यों, गूगल क्लासरूम में सभी लोगों को दिक्कत जा रही है क्या? पल्लवी फिर चेक करिए, कुछ आपके अकाउंट में होगी प्रॉब्लम। गूगल क्लासरूम में अपलोड होने में दिक्कत होती है बेटा, डाउनलोड होने में नहीं होती है, अपलोडिंग में दिक्कत देते हैं वो। सर्वर उनका बहुत हैवी हो जाता है तो कंटेंट लेता नहीं है। अगर आपको डाउनलोडिंग में हो रही है तो आप एक बार कंसल्ट करिएगा टीम पे। तो जो भी स्क्रीन पे आ रहा होगा ना वो स्क्रीनशॉट लेकर आप टेलीग्राम में शेयर कर देना, ठीक है? तो फिर टीम आपकी हेल्प कर देगी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो विड्थ हाइट हो गया, अलाइन हो गया, बीजी कलर हो गया। नाउ वी हैव टू मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग, वन इज कॉल्ड एज बैकग्राउंड, अदर वन इज कॉल्ड एज बॉर्डर कलर। दोनों ही आप पढ़ चुके हैं। बैकग्राउंड से आप टेबल के बैकग्राउंड पे इमेज लाते हैं, तो इमेज पेज पे आएगी टेबल पे आएगी? इमेज पेज पे आएगी कि टेबल पे आएगी? सिर्फ टेबल पे आएगी। और टाइल करेगी कि नहीं करेगी अपने आप को? टाइल करेगी कि नहीं करेगी अपने आप को? टाइल मतलब रिपीट। अगर टेबल के विड्थ से छोटी हुई तो रिपीट करेगी? यस, एचटीएमएल में बैकग्राउंड के साथ हर जगह आपको ये फीचर दिखेगा कि अगर कंटेंट कंटेनर से छोटा है तो कंटेंट अपने आप को इमेज के तौर पे रिपीट करेगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट बॉर्डर कलर? इससे क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए, तो पढ़ा हुआ है। टेबल के बॉर्डर को आप अपनी पसंद से कलर अलॉट कर पाएंगे। डिफॉल्ट कलर क्या होता है? डिफॉल्ट कलर इज ऑलवेज ब्लैक। सो लेट्स हैव अ लुक एट देयर एग्जांपल आल्सो। दिस इज द एग्जांपल फॉर बैकग्राउंड इमेज। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिएगा इमेज टाइल होती हुई आपको नजर आएगी, राइट? और अगर हम चाहते हैं इमेज पूरी आए तो क्या करें? अगर हम चाहते हैं इमेज पूरी आए तो क्या करें, जल्दी बताइए। नहीं, हर सवाल का जवाब सीएसएस नहीं होता, फिर गड़बड़ बात। कुछ भी पूछूंगा तो आप सीएसएस बोल दोगे? आप सीएसएस से टाइलिंग रोकी जा सकती है बेटा, इमेज पूरी लाने को कह रहा हूं मैं, वो तो सीएसएस भी नहीं लाएगी। उसके लिए टेबल की बढ़ानी पड़ेगी आपको हाइट, 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 हाइट। अर्पित विड्थ वाइज तो पूरी आ ही रही है अगर आप देखें तो,
आ रही है ना, विड्थ वाइज तो इमेज दिख रही है आपको, बस हाइट वाइज नहीं दिख रही है। तो अगर अपन इसकी हाइट इंक्रीज कर दें तो डेफिनेटली अपन टेबल पे इमेज को पूरा पूरा देख पाएंगे। जैसे आप नोटिस करिए, मैंने हाइट कर दी है 225, 225 पिक्सल के 225% पिक्सल। जब आप सफिक्स नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट इज पिक्सल, तो ये 225 पिक्सल्स की हाइट हो गई एंड इमेज अकॉर्डिंगली फिर डिस्प्ले हो गई। क्लियर? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल टैच। अच्छा, बॉर्डर कलर, राइट। एक बॉर्डर का एग्जांपल और देख लें आप। दिस इज एग्जांपल ऑफ बॉर्डर कलर। अब मैंने बॉर्डर कलर दिया हुआ है रेड, अलाइनमेंट सेट करा हुआ है राइट, तो टेबल आपको पेज के राइट साइड पे दिखेगी, राइट, और टेबल के सभी बॉर्डर्स का कलर आपको नजर आएगा रेड, ओके। और अंदर के बॉर्डर्स का कलर बदलना हो तो सबका जवाब अब सीएसएस है। आयुष, येरा कोड, ले लिया स्क्रीनशॉट आयुष? कंप्लीट? चलिए, तो ये थे एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल टैग। अब जैसे टेबल टैग आपको एट्रीब्यूट्स देता है, ऐसे आपको टीआर और टीडी भी एट्रीब्यूट्स देते हैं, ठीक। कुछ एट्रीब्यूट्स बिल्कुल टेबल टैग जैसे हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स टेबल टैग से अलग हैं। जैसे बीजी कलर, अब गेस करिए बीजी कलर से क्या होगा अगर हम टीआर का बीजी कलर देंगे तो? जल्दी बताइए। पूरी टेबल एक डिफरेंट कलर में आएगी, पर जिस रो का हमने बीजी कलर सेट करा होगा वो एक डिफरेंट कलर में आएगी। पूरी टेबल एक डिफरेंट कलर में आएगी, बट जिस रो का बीजी कलर हमने दिया होगा वो अपने अलग कलर को लेकर दिखाएगी। टू अंडरस्टैंड दिस, देखिए आप आउटपुट। बताइए क्या आउटपुट आएगा टेबल के बैकग्राउंड कलर का और क्या आउटपुट आएगा रो के बैकग्राउंड कलर का? देख पा रहे हैं? पूरी टेबल का बैकग्राउंड बिस्क आएगा, राइट, और आपका रो का बैकग्राउंड कलर क्रिम्जन आएगा, राइट। क्रिम्जन आपने कल भी देखा था, लाइट रेड कलर का आपको मिलेगा, तो ये क्रिम्जन है। और पूरी टेबल अगर आप नोटिस करें तो वो दिख रही है आपको बिस्क कलर में। सिंपल, चले आगे। और ये अगर मुझे अल्टरनेट कलर्स चाहिए हो तो एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, तो ये जैसे लाइट आ रहा है तो मैं चाहता हूं अगला वाला डार्क कलर आए, फिर उसके बाद वाला लाइट आए, फिर उसके बाद वाला डार्क आए, कैसे होता है संयम? क्या कहते हैं इसको? एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, कुछ नाम है इसका? नहीं, ऑड नहीं कहते हैं। उसको कहते हैं जीब्रा स्ट्राइप्स। सीएसएस में इसका नाम है जीब्रा स्ट्राइप्स, राइट। जीब्रा स्ट्राइप वो टेक्निक है जिसकी मदद से आप देखते होंगे बहुत सारे वेबसाइट्स पे दिखता होगा, एक रो डार्क कलर की आती है, एक रो लाइट आती है, फिर एक रो डार्क आती है, फिर एक रो लाइट आती है। देखा है आपने? आपकी मार्कशीट में ही कई बार आता होगा ऐसा। उसको बोलते हैं जीब्रा स्ट्राइप्स, राइट। इसके लिए सीएसएस में हम टेक्निक यूज करते हैं, तो जीब्रा स्ट्राइप्स में हमें कलर दिखते हैं फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज अलाइन एंड वी अलाइन, ठीक है। आप समझाइए अलाइन और वी अलाइन में डिफरेंस क्या है, पढ़िए तो ध्यान से जरा टेक्स्ट। बीजी कलर इक्वल टू डॉट डॉट मींस, हर्ष, आई मीन यू वांट टू पुट अ बीजी कलर फॉर द रो,
yes, 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 yes. Of course, we can do that. But for that, we'll have to set BG color for TD, not for TR. Okay? BG color TD ke paas bhi hai. Right. हाँ बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाइन एंड वी अलाइन? अलाइन से क्या होता है और वी अलाइन से क्या होता है? वी अलाइन इज वर्टिकल अलाइनमेंट. अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट क्या अलाइनमेंट आता है वी अलाइन पे? बाय डिफॉल्ट टेबल का जो कंटेंट है वो कहां आता है, आई मीन रो का जो कंटेंट है वो कहां आता है? अगर आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करें तो लेफ्ट पे आता है, और अगर आप वर्टिकल की बात करें तो मिडिल पे आता है. देखा है आपने इस बात को, ऑब्जर्व किया है? नहीं किया है तो कीजिए. देखिए ध्यान से, जो आपकी टेबल के कंटेंट्स का आउटपुट आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन आ रहा है. चेक करिए, लेफ्ट एज से अटैच्ड है, और अगर आप वर्टिकल देखें तो ऑलमोस्ट सेंटर पे है. इसको देखिए, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. दिख रहा है आपको, हर कंटेंट लेफ्ट एज पे है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर नीचे ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ गैप छोड़ा गया है. जैसे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट रेफरेंस पे आप देखिए, जे के ऊपर और जे के नीचे बिल्कुल बराबर स्पेसिंग है. राइट, ये स्पेसिंग अगर आपको कंट्रोल करनी है तो आपको फिर टीआर के साथ दो एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, वन इज कॉल्ड एज अलाइन, अदर वन इज कॉल्ड एज वी अलाइन. राइट, अलाइन की डिफॉल्ट वैल्यूज जो आपको मिलेंगी, अलाइन की जो डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी वो लेफ्ट होगी. पॉसिबल वैल्यूज जो अलाइन को आप दे सकते हैं लेफ्ट के अलावा, दे कैन बी राइट एंड सेंटर, और वर्टिकल के लिए टॉप और बॉटम, और जो डिफॉल्ट है दैट इज मिडल. क्लियर हुआ? चले आगे. अब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप. बताइए कैसे दिखेगी टेबल और कैसी दिखेगी ये थर्ड रो? थर्ड रो का सारा टेक्स्ट कहां चला जाएगा? थर्ड रो का सारा टेक्स्ट अपने सेल के राइट पे चला जाएगा, अपने सेल के राइट पे, जबकि बाकी रोज का टेक्स्ट अपने सेल के लेफ्ट पे दिखेगा. बिल्कुल, बाकी सारे लेफ्ट अलाइन दिखेंगे, रो नंबर थ्री आपको दिखेगी राइट अलाइन. दिख रहा है? ठीक. अब जैसे टीआर के एट्रीब्यूट्स हैं, बिल्कुल वैसे टीडी के पास भी एट्रीब्यूट्स हैं. ओके, टीडी के पास भी एक बीजी कलर है. टीडी का बीजी कलर सेट करने से क्या होगा? टीडी का बीजी कलर सेट करने से क्या होगा? वी अलाइन का एग्जाम्पल बताता हूं मैं, दो मिनट. इसी पे आप वी अलाइन और ऐड कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा इफेक्ट. यहां करता हूं वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप. इनफैक्ट दूसरी रो में करते हैं, एक में अलाइन करते हैं, एक में वी अलाइन करते हैं, तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा. ठीक है, अब देखिए आप वी अलाइन से क्या होगा. थोड़ी सी हाइट बढ़ाता हूं, है ना, तब आपको डिफरेंस नजर आएगा. अब आप चेक करिए स्मैशिंग सीएसएस को, अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ गैप ज्यादा दिख रहा है. करिए ध्यान से ऑब्जर्व, नोटिस कर पा रहे हैं इस बात को? वी अलाइन में ये वाला जो टेक्स्ट है ये टॉप की तरफ अलाइन हो गया है, वो टॉप एज से अलाइन हो रहा है. तो एस के नीचे देखिए और एस के ऊपर देखिए, आपको गैप में डिफरेंस दिखेगा.
दिख रहा है, दिस इज वी अलाइन। तो मैं कह रहा था जैसे हमारे पास टी आर के एट्रीब्यूट्स हैं, बिल्कुल ऐसे हमारे पास टी डी में भी एट्रीब्यूट है। टी डी ऑल्सो कंटेन्स अ बीजी कलर, क्या होगा इससे गेस करिए, अगर टी डी में बीजी कलर देंगे तो, जो अभी आपने पूछा था वही होगा। सारी टेबल अलग कलर में आएगी, सारी रोज अपने अपने कलर में आएंगी, बट एक सेल का कलर बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा, राइट? जैसा इस एग्जाम्पल में आपको नोटिस में आएगा। तो गेस करिए क्या होगा इसमें आउटपुट, पूरी टेबल का कलर कैसा होगा और एक सेल का कलर कैसा होगा। व्हाट डू यू से, पूरी टेबल का कलर बिस्क, राइट? जो आपकी थर्ड रो है उस पूरी रो का कलर क्रिम्सन, बट उसके एक सेल का कलर आपको ग्रीन दिखेगा, एक सेल का कलर आपको ग्रीन दिखेगा। आया डिफरेंस? चलें आगे। अब जैसे बीजी कलर है बिल्कुल ऐसे इसके लिए बाकी दोनों एट्रीब्यूट्स भी हैं, अलाइन और वी अलाइन। क्या होगा इससे गेस करिए, अलाइन और वी अलाइन से, अलाइन और वी अलाइन से क्या होगा, सिर्फ सिर्फ सेल के अंदर के कंटेंट्स अलाइन होंगे। यस, जिस सेल पे आप ये एट्रीब्यूट सेट करेंगे बस वो सेल का अलाइनमेंट आपको दिखेगा। समझने के लिए इस एग्जाम्पल को चेक कीजिए, बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आउटपुट कैसा आएगा। थर्ड रो के बारे में पूछ रहा हूं, थर्ड रो पूरी राइट अलाइंड होगी लेकिन उसका एक सेल जो सेकेंड सेल है वो दिखेगा आपको लेफ्ट अलाइन, एक सेल उसका आपको दिखेगा लेफ्ट अलाइन, ठीक है? देखिए आप आउटपुट तब समझ पाएंगे डिफरेंस। बताइए डिफरेंस नजर आ रहा है, चेक कीजिए आप, डिफरेंस दिखेगा आपको, राइट? सारे के सारे कंटेंट्स राइट अलाइन जा रहे हैं क्योंकि आपने टीआर का अलाइनमेंट राइट करा हुआ है, लेकिन ये बीच वाला टी डी आपको दिख रहा है लेफ्ट क्योंकि इसका अलाइनमेंट सेट करा हुआ है अपन ने लेफ्ट। क्लियर एवरीवन?